हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है ये बहुत ही खास है और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने बात की है कि अगर कंपनी आपका बायआउट नहीं लेती है, क्योंकि क्या होता है कई बार नोटिस पीरियड होता है और नोटिस पीरियड बायआउट करने का भी ऑप्शन होता है, और कई बार ये होता है कि कई कंपनियां जो है मना कर देती है कि हम बायआउट नहीं करेंगे, ठीक है, और आपका रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट नहीं करती। तो इस केस में आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो एक सिनेरियो लूंगा, उस सिनेरियो के बेसिस पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले यहाँ देख लेते हैं सिनेरियो। तो जैसे आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने काफ़ी समय तक काम किया और काम करने के बाद जो है अब आप कंपनी छोड़ना चाहते हैं, अब लेकिन किसी कारण से जो है कंपनी आपको जाने नहीं देना चाहती और उस कारण से वो क्या करते हैं, वो आपका रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अगर आपके ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर में बायआउट का ऑप्शन है तो वो बायआउट भी का जो ऑप्शन है उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नोटिस पीरियड बायआउट करने का। तो इस केस में क्या होता है, आप पजल्ड हो जाते हैं, आप लोगों को समझ नहीं आता क्या करना है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हम लोग देख लेते हैं, जो मैंने पॉइंट दिया है वो यहाँ पे ये यह है कि एन एम्प्लॉयर हैज नो राइट टू रिजेक्ट द रेजिग्नेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉय, ठीक है, कि जो भी एम्प्लॉय है, जो भी आपकी कंपनी है, उसके पास कोई राइट नहीं होता कि आपका रेजिग्नेशन वो रिजेक्ट कर दे या ना एक्सेप्ट करे किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो उनके पास कोई राइट होता नहीं, ठीक है। द लॉ इज दैट अ नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ एन अपॉइंटमेंट बिकम्स इफेक्टिव एंड वैलिड द मोमेंट इट इज रिसीव्ड बाई द पर्सन और अथॉरिटी टू हुम इट इज एड्रेस्ड, ठीक है। रेजिग्नेशन में एक जो ऑटोमेटिक अथॉरिटी होती है वो ऐसी है कि आप जब किसी को भी रेजिग्नेशन देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वैलिडेटेड हो जाता है और वो वैलिड हो जाता है जिसको भी आप एड्रेस करके देते हैं, चाहे वो आप हार्ड कॉपी के तौर पे अपने मैनेजर को दे रहे हैं या एचआर को देते हैं, या आप ईमेल करते हैं, सॉफ्ट कॉपी भेजते हैं, या ईमेल के थ्रू जो है आप अपना रेजिग्नेशन देते हैं। तो रेजिग्नेशन जब भी दिया जाता है ना तो वो ऑलरेडी वो वैलिड हो जाता है। ये कंपनी के पास कोई राइट नहीं होता, ना कि आपके मैनेजर के पास कोई राइट होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे रेजिग्नेशन, ठीक है। तो ऐसा आपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि रेजिग्नेशन जो है कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रही तो क्या करें, ठीक है। तो ऐसा उनके पास कोई राइट होता नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली जो है वैलिड हो जाता है एट द मोमेंट जैसे ही आप इसको टाइप करते हैं और भेजते हैं, आप जिस भी पर्सन को आप एड्रेस करते हैं, तो ठीक है। तो ये तो सबसे पहला डाउट था जो आप लोगों का मैं क्लियर करना चाहता था, होप क्लियर हुआ होगा। अब दूसरी चीज ये है, यू मे ऑल्सो विजिट एन एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर। यहाँ पे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, कारण ये है कि जब भी आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, मैंने कई बार अपनी वीडियो में बोला है कि किसी भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले जो है आप लोगों को ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर जो है आपको जो मिलता है उसको पूरी तरह से गो थ्रू करें। गो थ्रू करने का मतलब ये है कि आप लोगों को सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है पता होनी चाहिए। अगर आपके नोटिस पीरियड का जो बायआउट ऑप्शन है अगर आपके ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर में दिया होगा, ठीक है, वैसे अधिकतर में दिया ही होता है, ये मेंशन किया ही जाता है, ठीक है, तो प्लीज जरूर पढ़ें अपना एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर, क्योंकि उसमें ये दिया होता है, इन लियू ऑफ करके दिया होगा, वो पूरी तरह से अच्छे से पढ़ें। अगर ये दिया है और अमाउंट दिया है, कंपनसेशन कितना करना है, जितना नोटिस पीरियड का अमाउंट है, जितना आप कंपनसेट करना है एम्प्लॉयर को जब आप छोड़ते हैं ये नोटिस पे रिकवरी का, ठीक है, तो वो अमाउंट दे के अगर छोड़ा जा सकता है तो वो मेंशन होगा ऑब्वियसली। अगर वो मेंशन है तो कोई भी कंपनी जो है आपको बायआउट करने से नहीं रोक सकती है, ठीक है, बशर्त ये है कि ये मेंशन होना चाहिए और अधिकतर कंपनियों में ये मेंशन होता है, ठीक है। तो अगर आप स्टेप ले रहे हैं बायआउट का तो बायआउट करने से पहले ये जरूर देख लें कि आपके ऑफर लेटर या एम्प्लॉयमेंट लेटर में या अपॉइंटमेंट लेटर में कहीं पर भी जो है ये प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन जो है मेंशन होना चाहिए बायआउट का, कि इन लियू ऑफ, ठीक है, अगर आप नोटिस पीरियड नहीं सर्व करते हैं तो इतना सो एंड सो अमाउंट जो है आप कंपनी को देंगे, एंड उसके बाद जो है कंपनी बायो अपना नोटिस पीरियड आप बायआउट करके जो है आप कंपनी छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ जो है मेंशन होगी, तो इस चीज़ को प्रॉपरली ध्यान से देख लीजिएगा। अगर जैसे ही ये आप देख लेते हैं,
ठीक है, और उसके बाद भी इन केस मान लीजिए आपने नोटिस पीरियड बायआउट देखा और उसके बाद जो है आप चाहते हैं और आप नोटिस पीरियड बायआउट करने के लिए कंपनी को बोलते हैं कि मुझे नोटिस पीरियड बायआउट करना है और मुझे छोड़नी है कंपनी, मैं रुकना नहीं चाहता। इस केस में जब आप बायआउट का ऑप्शन भी दे रहे हैं उनको और उसके बाद भी अगर वो बायआउट नहीं करवाती है कंपनी, कंपनी बायआउट नहीं करने देती आपको आपका नोटिस पीरियड, तब उस केस में जो है आप लीगल एक्शन कंपनी के खिलाफ ले सकते हैं। यू कैन इनिशिएट लीगल एक्शन बाई फर्स्ट सेंडिंग देम द लीगल नोटिस रिगार्डिंग दिस, और उसके बाद ये लीगल एक्शन आप कैसे लेंगे, लेबर कोर्ट में जाके इनके खिलाफ जो है कंप्लेन आप दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लेबर लॉ का जो लॉयर है उसको आप हायर कर सकते हैं और लेबर कोर्ट में जो है इनके खिलाफ एक केस या मुकदमा जो है आप दायर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, अगर इन्होंने जो है अपॉइंटमेंट लेटर ऑफर लेटर में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि बायआउट का ऑप्शन है और उसके बाद भी ये बायआउट नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। क्योंकि क्या रहता है, कोई भी कंपनी ज़बरदस्ती जो है आपको अपने साथ नहीं रख सकती, ये पूरी की पूरी जो है एम्प्लॉय के विल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस कंपनी में कब तक काम करना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। तो इसके खिलाफ जो है आप लीगल स्टेप ले सकते हैं, ठीक है, लेबर लॉ लेबर कोर्ट में जाके इनके खिलाफ जो है कंप्लेन की जा सकती है, तो इस चीज़ का जरूर से ध्यान रखें। फिर उसके बाद इफ़ कंपनी रिफ्यूजेस, ये एडिशनल पॉइंट मैं दे रहा हूँ कि अगर कंपनी रिफ्यूज़ करती है आपको रिलीविंग लेटर नहीं दे रही है, अगर आपने अपना नोटिस पीरियड सर्व कर लिया है या फिर आपने जो है नोटिस पे रिकवरी अमाउंट भी अगर आपने दे दिया है, अगर आप नोटिस पीरियड नहीं सर्व करते हैं लेकिन आपने नोटिस पीरियड रिकवरी अमाउंट दे दिया है और उसके बाद भी कंपनी आपका रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर जो है दोनों नहीं देती है, वो दोनों रखती है ताकि जो है आप कंपनी में बने रहें, तो ये भी एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस होती है कंपनी के साइड से। इसके खिलाफ भी जो है आप लोग कंपनी को लीगल नोटिस दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही गलत चीज़ हो जाती है, क्योंकि कोई भी कंपनी आपका रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर नहीं रख सकती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं था दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं थी, शॉर्ट थी। मैं बस आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है क्लियर करना चाहता था जो आप लोगों के दिमाग में है और आप लोगों को रास्ते नहीं मिलते, तो मैंने सोचा इसके बारे में क्यों ना मैं एक वीडियो बना दूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।